बनने पे जो हमारे कई नए अपॉइंटमेंट्स जो है डिस्ट्रिक्ट में पूरे यूटी में हुए हैं और उसके तहत जो है एक नई पॉलिसी बनाई जो आंगनबाड़ी वर्कर्स और आंगनबाड़ी हेल्पर्स थी जो 5 साल से इनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही थी उनकी रिक्रूटमेंट के काम को फिर से शुरू किया गया नई पॉलिसी के तहत और इन्हें संगिनी और सहायिका का नाम दिया गया। पहले जो ये पॉलिसी थी वो थोड़ी वेग थी, अनडिजर्विंग लोग भी आ जाते थे इसके अंदर, लेकिन इस बार एक फेयर तरीके से पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से इस प्रोसेस को किया गया जिसमें PYCDS ने इन सब लोगों का चयन किया, ADDC ने उनके काम को चेक किया और फाइनली DC ने उसको अप्रूवल दिया। तो ये काम जो है बहुत ही तरीके से सलीकेवार हुआ है, किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स डबल वेरिफिकेशन की गई है, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनकी CID वेरिफिकेशन कराई है, अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया, ऑब्जेक्शन भी लिए गए हैं, अखबार में भी लिस्ट जो है छपाई गई है। तो इतनी अच्छा ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम और इतनी ज़्यादा मास रिक्रूटमेंट ड्राइव इससे पहले जो है वो देखने को नहीं मिली है। मैं सारे जो नए सिलेक्टेड हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और PYCDS को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस प्रोसेस को शुरू किया। साथ ही साथ आज हम जो है जो हमारे स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको स्कूटीज़ बांट रहे हैं, उस प्रोग्राम को भी हम करने जा रहे हैं, वो भी आज हम कुछ 50 जो हमारे बेनिफिशियर्स हुए डिस्ट्रिक्ट में उनको स्कूटी जो है बांट रहे हैं।